प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया था और आज सजा सुनाई जानी थी, लेकिन न्यायालय ने सोच विचार के लिए भूषण को समय दे दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या भूषण को समय चाहिए था? नहीं। न्यायालय के कहने पर भी उन्होंने कहा कि यह लाभदायक नहीं होगा व इससे न्यायालय का समय नष्ट होगा। भूषण ने साफ कह दिया कि वे अपने कथनों पर विचार नहीं करना चाहते और उनके ट्वीट संविधान की रक्षा के लिए उनका कर्तव्य थे। वे आलोचना को लोकतंत्र में आवश्यक मानते हैं। हालांकि न्यायालय ने माना कि यह आलोचना लक्ष्मण रेखा पार करके अवमानना बन गई है। यह कार्रवाई भूषण के दो ट्वीट्स पर है। एक ट्वीट में उन्होंने न्यायाधीश एस ए बोबडे पर बिना मास्क के भाजपा नेता की बाइक चलाने को लेकर टिप्पणी की थी और दूसरे में पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों को लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार ठहराया था।